नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप सबका स्वागत है शंखनाद में। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद आज महा स्टेडियम पर, जो पूरी दुनिया की आकर्षण का केंद्र बन गया है। जी हां, मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये स्टेडियम जितना विशाल है उतना ही भव्य है, जितना बेहतरीन है उतना ही सुविधाओं से लैस भी है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। आपको बताते हैं कि स्टेडियम की क्या क्या खास बातें हैं और कैसे ये स्टेडियम दुनिया भर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने आप में आज का दिन बेहद खास। वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करीब 233 एकड़ में है। चलिए हम आपको एक एक करके इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि कैसे नमो नमो स्टेडियम अपने आप में बेहद खास और दुनिया भर के तमाम न सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। इसकी जो खास बातें हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करीब 233 एकड़ में फैला हुआ है, मगर इस कॉम्प्लेक्स में 63 एकड़ में स्टेडियम बनाया गया है। 63 एकड़ में यह नमो नमो स्टेडियम बनाया गया है। स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक एक बार में बैठ सकते हैं। और आपको बता दें, इतनी बड़ी क्षमता का स्टेडियम दूसरा दुनिया में कोई भी नहीं है और इसी वजह से ये अपने आप में सबसे ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 76 कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए गए हैं। स्टेडियम में छत वाली एलईडी लाइट्स लगी हुई है, जिसमें जिम के साथ 4 ड्रेसिंग रूम है। साथ में मैच और प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम में 11 पिच भी हैं। स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम की भी इसमें पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। वातानुकूलित 6 इंडोर पिच हैं। इसमें एक एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो इसको अपने आप में बेहद खास बनाती है। वातानुकूलित 6 इंडोर पिच है। 700 करोड़ की लागत से बना ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी है। आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि किस तरह से दुनिया भर के खिलाड़ी यहां पर पहुंचने वाले हैं और इसी वजह से आज का दिन हिंदुस्तान के लिहाज से काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने खासियत बताई इस स्टेडियम की। देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होना गर्व की बात है, क्योंकि अब तक क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न में था। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि मेलबर्न से किन मामलों में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अलग है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं, जबकि मेलबर्न में 90,000 दर्शक ही बैठ सकते हैं। इस लिहाज से अपने आप में ये बड़ा और भव्य स्टेडियम। नमो स्टेडियम में छत वाली एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। मेलबर्न में टावर वाली फ्लड लाइट्स हैं। इस लिहाज से भी ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है। नमो स्टेडियम में जिम के साथ ही 4 ड्रेसिंग रूम है, जबकि मेलबर्न में बिना जिम के ड्रेसिंग रूम है। अगर हम मेलबर्न से तुलना करें, क्योंकि इसके पहले मेलबर्न के नाम ही ये तमाम रिकॉर्ड से जो अब इस स्टेडियम के यानी कि नमो स्टेडियम के नाम हो चुके हैं। नमो स्टेडियम में मैच और प्रैक्टिस के लिए 11 पिच हैं। मेलबर्न में ड्रॉप इन पिच का उपयोग किया जा रहा है। नमो स्टेडियम में स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, जबकि मेलबर्न पूरी तरह से कवर्ड ग्राउंड है। तो इस लिहाज से आप समझिए कि यह स्टेडियम कितना खास और मेलबर्न से कितना ज्यादा अलग और आधुनिक है। ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है। 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल। 1,14,126 घन मीटर कॉन्क्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों, इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटे हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब सॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये स्टेडियम। वैसे आपको ये भी बताते चले कि ये स्टेडियम महारिकॉर्ड्स का गवाह रहा है। यहां 1987 में सुनील गावस्कर ने अपने 10,000 टेस्ट रन पूरे किए थे। 1994 में कपिल देव ने सर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़कर 431 विकेट अपने नाम किए थे। 1999 में सचिन तेंदुलकर ने यहीं पर अपने टेस्ट करियर की पहली डबल सेंचुरी मारी थी। 2011 में वनडे क्रिकेट में सचिन ने अपने 18,000 रन यहीं पर पूरे किए थे। सचिन ने इसी स्टेडियम में अपने क्रिकेट करियर के 20 साल पूरे किए, जबकि अनिल कुंबले ने इस स्टेडियम पर अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। और तो और मौजूदा मैच खेल रहे ईशान शर्मा भी आज इसी स्टेडियम में अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो ये तमाम खासियत जो इस स्टेडियम को अपने आप में बेहद अलग और अलहदा बनाती हैं। मित्रों, श्रीनाथ के लिए ये जो हमारा स्टेडियम ये भूमि है बहुत यादगार है कि उन्होंने यहां पर ही अफ्रीका के सामने मैच खेलते हुए 6 विकेट झटकाए थे और भारत को विजय दिलाने का काम किया था। इसी ग्राउंड पर 10 साल के बाद कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का 431 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड की तालिका में डालने का काम कपिल देव ने इसी भूमि पर किया था। और इसी भूमि पर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपने 10,000 रन समाप्त करे थे। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 2011 के वर्ल्ड कप में एक दिवसीय मैच में 18,000 रन पूरा करने का काम किया था। इसी भूमि पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी करियर के 20 साल भी पूरे किए थे। सुना आपने गृहमंत्री अमित शाह को अपने दामन में तमाम कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस स्टेडियम को नए सिरे से अब बनाया गया और इसका नाम बदला गया, तो सियासी संग्राम भी सियासी पिच पर मच गया है। कांग्रेस को इस बात से एतराज है कि स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हटाकर नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों किया गया। क्रिकेट का ये मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कल तक ये मोटेरा स्टेडियम एक आम क्रिकेट स्टेडियम की तरह, मगर इस स्टेडियम का नक्शा बदल गया। सहूलियतें बढ़ा दी गईं, दर्शकों की क्षमता बढ़ा दी गई, नाम बदल कर रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, जिसको लेकर यहां पे उसका जो नाम है वो भी लगा दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव के तहत ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम आएगा। और ये जो नाम की घोषणा है ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से की गई है। अब तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने क्षमता और सुविधा दोनों के लिहाज से उसे पीछे छोड़ दिया। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला है, वो परिसर वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल ही है। नहीं, एक मिनट, क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसकी तारीफ की है क्या? गए भी हैं क्या? दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम पर सरकार फूली नहीं समा रही, तो दूसरी ओर कांग्रेस को मोदी के नाम से स्टेडियम का होना चुप गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बेहतरीन, सच खुद सामने आ गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड रिलायंस एंड जय शाह की अध्यक्षता में हम दो हमारे दो। इससे पहले गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है, क्या यह सरदार पटेल का अपमान नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर मत मांगने वाली बीजेपी अब सरदार साहब का अपमान कर रही है। गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगी। वजह से वो प्रधानमंत्री उन्हें RSS बनाना चाहती थी, शायद आज वो मकसद हल हो गया है, आज वो उन्हें हासिल हो गया। ठेस पहुंचती है देश की आत्मा को जब आप इतने बड़े नेता के नाम को हटाकर अपना नाम लाना चाहते। तो सरदार पटेल की इतनी मान्यता है इनके मन में भी और हृदय में भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने सरदार पटेल का नाम, स्टेडियम का नाम बदल दिया। लेकिन ये देखिए, ये उनकी अपनी दिलचस्पी है इन बारे में, शायद उन्होंने नहीं रखा हो, उनके कोई करीब लोगों ने रखा हो। फिर कमलनाथ और शशि थरूर ने भी ट्वीट कर स्टेडियम के नामकरण पर सवाल उठाए।
शायद उन्हें अभी अभी एहसास हुआ कि स्टेडियम का नाम ऐसे गृह मंत्री के नाम पर था जिन्होंने उनके मातृ संगठन को बैन कर दिया था, या शायद ये अगले राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत की एडवांस बुकिंग है जैसे ट्रंप का हुआ था, या ये अपना नाम लिखकर विरासत निर्माण की होड़ की शुरुआत है। सवाल यह है कि स्टेडियम के नामकरण पर सियासत क्यों है? अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ। सवाल महत्वपूर्ण है कि स्टेडियम के नाम पर इतनी ज्यादा सियासत आखिर इस देश में क्यों मची हुई है, और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम जो कि राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और इसी के साथ हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस गुजरात के अध्यक्ष हार्दिक पटेल जुड़ चुके हैं। हार्दिक पटेल, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, ट्वीट करके लगातार आप निशाना साध रहे हैं, स्टेडियम के नाम पर इतनी आपत्ति क्यों है आपको? स्टेडियम बना है उससे हम लोग खुश है, हम राजी है, लेकिन सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने की जरूरत क्या थी? जिस तरह से सरदार साहब के नाम पर राजनीति की जाती है और एक तरफ सरदार साहब के नाम को मिटाने का प्रयास होता है, मुझे आपत्ति इस बात की है कि क्या सरदार साहब ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी उसी वजह से कि आरएसएस के चेले सरदार साहब का नाम मिटाने में लगे है? क्रिकेट के नाम के साथ नाम बदलने की जरूरत क्या है? और आपको नाम बदलना है तो अहमदाबाद का नाम कर्णावती कीजिए ना, आप सालों से कहते आए हैं, तो वो तो आप करते नहीं है। लेकिन तो जो चीज आप उल्टा कर रहे हैं तो हम उस चीज को सही तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, तो इसीलिए हमें आपत्ति है कि इतने बड़े स्टेडियम की जब सरदार पटेल का नाम लेकर साहब के साथ जुड़ा हुआ। हार्दिक, आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, जरूरत क्या? लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की तो उन्होंने ही लगवाई है, फिर आप इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं इस पर जवाब भी लूंगी जफर इस्लाम से, लेकिन आप पहले इस पर टिप्पणी कीजिए। सबसे बड़ी मूर्ति दुनिया की उसी गुजरात में है सरदार पटेल साहब की। हाँ तो अच्छी बात है, हम तो वही कहते हैं ना कि इतना बड़ा स्टेडियम बना है तो सरदार साहब का नाम ऑलरेडी बना हुआ था, नाम जुड़ा हुआ था, तो फिर बदलने की जरूरत ही क्या थी? आपने इतनी बड़ी, मैं वही बोलता हूँ कि आप दो प्रकार की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सरदार साहब के नाम पर। एक बाहरी पॉलिटिक्स है जहां पर कहते हैं कि हम सरदार साहब से प्यार करते हैं और उनका नाम बड़ा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप सरदार साहब के नाम को मिटाने का प्रयास करते हैं। ये तो वो बात हो गई, बगल में छुरी राम में, मुंह में राम का नाम और बगल में जफर इस्लाम साहब, कहावत है उसी प्रकार की बात होगी। कहावत कह रहे हैं कि राम का नाम मुंह में और बगल में छुरी, इस पर क्या है टिप्पणी आपकी? उन्होंने कहा कि नाम बदलने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? देखिए, पूरे इनक्लेव का नाम, पहले तो मैं इनको बता दूं, पूरे इनक्लेव का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल इनक्लेव नाम है। उसमें स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम की जगह पर, अब मोटेरा स्टेडियम की जगह पर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। लेकिन मैं आपको जरा इनके याददाश्त को थोड़ा सा कुरेदना चाहता हूँ, जरा इन्हें बताना चाहता हूँ कि जरा यह सब नाम सुना है अपना क्या? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोयम्बटूर, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम आसाम, इंदिरा गांधी स्टेडियम सोलापुर महाराष्ट्र, नेहरू स्टेडियम इंदौर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट एवरी, जहाँ जहाँ देखे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अब आ जाइए जरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ट्रॉफीज में, राजीव गांधी गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सब, अरे भैया ये आपका चित्रा जी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं गिनती गिनते जाऊंगा, इतनी लंबी फहरिस्त है, इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर मैं पूरा पढ़ दूं आपका एक घंटे का प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। ऐसे लोग जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो शर्म आता है मुझे। देश की जनता देख रही है कि कैसा दोहरा और दोगला चेहरा है इनका, कि ये एक प्रधानमंत्री के नाम पे है, देश का सबसे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आज के जो फ्री इंडिया के इतिहास में इतना लोकप्रिय नेता कोई नहीं हुआ, उसके नाम से एक स्टेडियम अगर है तो गर्व की बात है भाई। उनका कंट्रीब्यूशन तो देखिए, इतने साल तक चीफ मिनिस्टर, इतने साल तक प्राइम मिनिस्टर, और पूरे देश दुनिया में उनका नाम, देश का नाम ऊपर किया, और ऐसे आदमी के नाम से अगर स्टेडियम का नाम रखा गया तो आपके लिए भी गर्व की बात है। आप वहां रहते हैं तो आपके लिए भी गर्व की बात है कि आपके स्टेट का कोई ऐसा आदमी था जिसके नाम से स्टेडियम का नाम रखा गया, वरना सारे स्टेट में ऐसा लगता है देश में कोई भी ऐसा काम नहीं किया सिवाय गांधी नेहरू परिवार के, इसलिए कि सब नाम जो है उनके जितने चाहने वाले और जिनको बोलते हैं इंग्लिश में साइकोफ्रेंड्स, ठीक है, वो सारे जो है यही नाम डालते थे, गांधी नेहरू परिवार। भाई देश में और भी लोग हैं,
देश में और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, देश की जनता और लोगों को भी प्यार करती है, गांधी नेहरू पहरी परिवार के ऊपर भी है। पूरी लिस्ट दूंगा तो अभी जो बैठे हैं महाशय जो कांग्रेस के वो उनके उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बेतुका स्टेटमेंट जब देते हैं तो कम से कम अपने गरीबों में झांक के देखना चाहिए। आपको हार्दिक प्रसन्नता होनी चाहिए थी हार्दिक पटेल। और एक सवाल और है, इस पर जवाब आप दीजिएगा। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव हिस्सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका हिस्सा है, लेकिन आप लोग बार बार सरदार पटेल के नाम को कह रहे हो कि दरअसल उस नाम को हटा दिया गया। आप लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बड़ा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका एक हिस्सा है। अब भी चित्रा जी आपको शायद मालूम नहीं होगा कि सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम के नाम से यह स्टेडियम जाना जाता था। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पहले लोग अंदर चले गए तो बाहर स्टेडियम का नाम अलग लिखा हुआ था, लोग बाहर आए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका था। मोदी जी का नाम है सिर्फ इसीलिए तकलीफ है हार्दिक? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, देश के प्रधानमंत्री है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो गलत चीज करेंगे तो क्या हम सवाल नहीं उठाएंगे? और यही जो नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं थे तब मनमोहन सिंह जी पर वो आरोप लगाते थे, तब तो आप नहीं बोले कि ये देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान कर रहे, उनके नाम के साथ इनको प्रॉब्लम है, तब तो आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे। आज आप ऐसी बात करते हैं चित्रा जी, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से उनकी नीतियों से प्रॉब्लम है, उनकी बातचीत, वो जिस तरह से काम करते उनसे प्रॉब्लम है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। लेकिन नाम को लेकर आप लगातार ट्वीट करते हुए चले जा रहे हैं। जफर इस्लाम, इस पर आप जवाब दीजिए, फिर मैं पूछूंगी कि सरकारी धन तो लगा नहीं है इस स्टेडियम में, उसके बावजूद इस तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, लेकिन उस पर जफर इस्लाम साहब पहले आपकी टिप्पणी। नहीं, मैं तो सिंपल सवाल कह रहा हूं कि भाई जो पूरा इनक्लेव है वो तो सरदार पटेल इनक्लेव है जो बड़ा है जी। उसके नीचे एक छोटा स्टेडियम के भी अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम है तो बड़े में छोटा समाया है, इसमें क्या तकलीफ है? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। देश की जनता परेशान है कि कांग्रेस पार्टी का जो कि बौखलाहट सिर्फ नाम से है या कोई और, अगर नाम से है तो ये फहरिस्त क्यों नहीं देखते इतने लंबे फहरिस्त की भाई ये सारे नाम क्या यहाँ कोई और महानुभाव नहीं है इस देश में? क्या ऐसे कोई आइकन नहीं थे इस देश में जिसका नाम दिया जा सकता है स्टेडियम? और जो बड़े बड़े स्टेडियम बने पूरे हर प्रदेश में उसमें सिर्फ क्या नेहरू गांधी और इंदिरा के नाम होने चाहिए थे? ये इसका जवाब कोई है उनके पास? मैं पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाने से नहीं बना है स्टेडियम, क्रिकेट हरियाणा अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाया है और उनको पूरा अधिकार है कि अगर किसी का नाम रखें। अगर आपको इंदिरा गांधी का राजीव गांधी का रखते तो आपको बहुत खुशी होती, इसलिए कि चलो भाई अभी देखिए बॉम्बे में थोड़ा दिन पहले बना था मुंबई में वो सीलिंग, उसमें भी राजीव गांधी सीलिंग। अरे भाई क्यों, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपने हटाया क्या राजीव गांधी सीलिंग का? क्यों भाई राजीव गांधी सीलिंग, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था उसमें जो आपने नाम डाल दिया? बताइए जरा मुझे, देश की जनता जानना चाहती है। ये सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन हार्दिक मुझे लग रहा है कि थोड़ा हार्दिक दिल भी दिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर को ये स्टेडियम आकर्षित कर रहा है, लेकिन अपने आप में सियासत है, पूरे मामले पर जारी रहेगी। फिलहाल आपका जफर इस्लाम और हार्दिक पटेल, आपका बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जल्दी से आपको मैच के बारे में जानकारी दे देते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय स्पिनरों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए हैं। दो सेशन के अंदर मेहमान टीम की पहली पारी खत्म हो गई है। इंग्लैंड ने टॉस जीता था लेकिन पहली पारी में वो 112 रन ही बना पाया, उसे सस्ते में समेटने का सहरा बना है अक्षर पटेल और अश्विन के सिर पर। अक्षर ने 38 रन देकर 6 शिकार किए जबकि अश्विन ने 3 विकेट लिए हैं। डिनर ब्रेक तक भारत ने बिना नुकसान के 5 रन बना लिए हैं। इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्टेडियम का उद्घाटन किया था। अब मोटेरा का यह स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। जिस तरह के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, उम्मीद यही कि इस मुकाबले में भी हिंदुस्तान की टीम एक शानदार रिकॉर्ड बनाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।